सो है गाइस, सनी हियर एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट VFX ट्यूटोरियल इन दिस सीरीज। सो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई मेड दिस सिनेमैटिक सीन विद द हेल्प ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर, वो भी स्मार्टफोन से शूट करके। एंड और एक बात, इसे बनाना बहुत ही ईजी है, ट्रस्ट मी। तो चलो देखते हैं और सीखते हैं हाउ टू मेड दिस सीन इन ब्लेंडर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास लो एंड PC भी है फिर भी आप इस सीन को क्रिएट कर पाओगे अपने PC में, क्योंकि मेरे पास भी लो एंड PC है एंड इससे कई भारी भारी VFX सीन है जो मैंने क्रिएट किया है मेरे लो एंड PC के साथ। सो चलो देखते हैं एंड सीखते हैं हाउ आई मेड दिस सीन। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Here we are in the tutorial. So, सबसे पहले मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो है मेरी रॉ फुटेज जो मैंने ग्रीन स्क्रीन के पीछे शूट की है फॉर मेकिंग दिस सिनेमैटिक सीन। सो ये रहा मेरा फोल्डर जहाँ मैंने उस रॉ फुटेज को रखा है। सो ये रॉ फुटेज सिंपली मैंने मेरे रूम में विद अ ग्रीन स्क्रीन शूट की है, वो भी मेरे स्मार्टफोन के साथ, ठीक है। सो ये नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, ठीक है, वो भी स्मार्टफोन से शूट की हुई। सो इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर की मदद से इस सीन को बनाने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन द आफ्टर इफेक्ट एंड लेट्स सी हाउ टू मेक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी वो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ आफ्टर इफेक्ट में। सो गो टू योर फोल्डर, टेक योर फुटेज एंड इम्पोर्ट इन द आफ्टर इफेक्ट। सो मैंने मेरे फुटेज को इम्पोर्ट कर लिया है एंड मैं इसे नेम दे रहा हूँ रॉ फुटेज और वट एवर यू कैन कॉल इट। सो मैंने इसे जस्ट एक सिंपल नेम दे दिया है। एंड ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है हमारे चैनल पर, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। मैं इसमें टोटल प्रोसेस नहीं बताने वाला ग्रीन स्क्रीन की, क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसे इतना लंबा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि ये इतना कोई हार्ड ट्यूटोरियल नहीं है, बस मैं एक सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपली एक इस रॉ फुटेज से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने से पहले जान लेते हैं रेशियो के बारे में। सो व्हाट इज़ रेशियो, द रेशियो इज़ दी सो आप रेशियो मीन्स कि आपके जो वीडियो का विर्थ एंड हाइट है वो कैसा होना चाहिए। सो डिफ़ॉल्टली मैं जो मेरे फिल्म्स के लिए, मैं जो मेरे कंसेप्ट शॉर्ट फिल्म्स या जो भी मैं क्रिएट करता हूँ मैं उनका रेशियो रखता हूँ 1920x812 और 822, ठीक है। सो इससे थोड़ा सिनेमैटिक व्यू जो है वो बढ़ जाता है, सिनेमैटिकली व्यू एक्सपीरियंस वो बढ़ जाता है ऑडियंस का, इसलिए मैं इसी रेशियो को प्रीफर करता हूँ मेरे शॉर्ट फिल्म्स में। सो सिंपली क्रिएट अ न्यू कॉम्प एंड दिस इज़ माई रेशियो, ठीक है, 1920 एंड 1080 की जगह मैं करता हूँ 812, ठीक है। सो इसका मैं कॉम्प ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ 10 सेकेंड का एंड सिंपली हिट ओके एंड उस रॉ फुटेज को मैं ला रहा हूँ इस कॉम्प में, ठीक है। सो वीडियो प्रॉपरली अलाइन हो चुकी है एंड इसे मैं वहाँ से ट्रिम करूँगा जहाँ से मुझे इससे ये फुटेज चाहिए। तो प्रॉपरली इसे सेट कर लो एंड मुझे अगर यहाँ से इसे कट करना है तो मैं इसे इस फुटेज को कट कर लूँगा जहाँ से मुझे इसे चाहिए। सो अल्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट, तो इसने नहीं किया, मेरा लेफ्ट जो साइड है उसे ट्रिम कर दिया, ठीक है। एंड एंड में मुझे ट्रिम करना है, सो अल्ट राइट ब्रैकेट। सो अल्ट राइट ब्रैकेट से आपका राइट का पार्ट कट हो जाएगा एंड अल्ट लेफ्ट ब्रैकेट से आपका लेफ्ट का पार्ट कट हो जाएगा। सो मैंने जस्ट सिंपली एक इसे कट कर लिया है एंड ग्रीन स्क्रीन को प्रॉपरली कैसे मैंने रिमूव किया, कैसे उसमें सेटिंग्स की, क्या क्या मैंने उसमें प्लगइन्स मीन्स कि मेरी जो टेक्निक है वो यूज़ की है टू इन्हांस माई स्मार्टफोन फुटेज, ठीक है। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन रिमूव
वीडियो को ट्यूटोरियल को, अगर आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग सीखना है आफ्टर इफेक्ट में प्रॉपरली तरीके से। सो टोटली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद मेरा वीडियो जो है वो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। मैंने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया, बैकग्राउंड ब्लैक को रखा एंड थोड़ी फार कलर ग्रेडिंग करके मेरा कुछ सीन है, मेरा जो सीन है वो कुछ इस तरह बन गया। अगर कलर करेक्शन के लेयर को मैं ऑफ करूँ तो ये थोड़ा फार ऐसा दिखेगा एंड इसमें थोड़ा फार कॉन्ट्रास्ट या शेडो बढ़ाने के बाद ये थोड़ा ऐसा दिखेगा। सो आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस ऑफ ग्रीन स्क्रीन एंड इन्हांसमेंट, सो मैंने इसे फाइनल एक कॉम्प में ला लिया है एंड अब आफ्टर इफेक्ट का जो काम था वो यही तक था। हमें सिर्फ हमारे रॉ फुटेज को ग्रीन स्क्रीन को कट करना था एंड उस सीन को अल्फा के साथ रेंडर करना था। सो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल सेव एंड सेव योर फुटेज नाउ, कंट्रोल हिट कंट्रोल एम टू रेंडर दिस वीडियो। सो मेक श्योर कि आपके जो आपका जो मेन कॉम्प है उसके बैकग्राउंड में कोई लेयर ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है इसे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखने चाहिए, ना कि इसे क्लिक करने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड दिखना चाहिए, ठीक है। हमें इस वीडियो को ट्रांसपेरेंट करना है, इस फुटेज को ट्रांसपेरेंट रेंडर करना है। सो कुछ इस तरह दिखना चाहिए इस बटन को क्लिक करने के बाद। सो मैं चले जाता हूँ रेंडर में, कंट्रोल हिट कंट्रोल एम एंड यहाँ पे देख रहे हो हमारे रेंडर सेटिंग है। सो रेंडर सेटिंग में यहाँ लिखा आ रहा सब्जेक्ट जो कि मेरे कॉम का नेम था। सो नीचे अगर आप जाओ तो आउटपुट मॉडल है, सो इस पर क्लिक करो एंड यहाँ फॉर्मेट में मैं यूज़ कर रहा हूँ क्विक टाइम, क्योंकि क्विक टाइम में हम अल्फा को निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप चैनल्स देख रहे होगे तो मुझे आरजीबी नहीं आरजीबी प्लस अल्फा चाहिए। सो अल्फा क्या करता है, हमारे वीडियो के ट्रांसफरेंसी को साथ में लेकर रेंडर करता है। मीन्स कि अगर हमने ग्रीन स्क्रीन को हटाया एंड हमें ट्रांसपेरेंट वीडियो चाहिए विथ ओनली ऑन माई सब्जेक्ट, सो ये उस ट्रांसपेरेंसी को लेके ही रेंडर करेगा। सो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग वाली बात नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल थिंग है। इसे कर देता हूँ ऑफ एंड हिट ओके एंड जस्ट यहाँ पे आपको नॉट एड स्पेसिफाइड पे क्लिक करना है एंड आपकी फाइल आपको जहाँ चाहो वहाँ सेव करना है एंड सेव लाइक मैंने सेव ऑलरेडी कर रखी है एंड जस्ट रेंडर दिस सीन, ठीक है। आपको सिर्फ इसे रेंडर कर लेना है like जैसे मैंने किया है, ओके। एंड अब हमारा पार्ट टोटली ब्लेंडर के अंदर है। सो इसे करते हैं कंट्रोल, आफ्टर इफेक्ट को करते हैं बन एंड अब बढ़ते हैं ब्लेंडर की ओर, जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है इस सीन को क्रिएट करने के लिए। सो ओपन द ब्लेंडर आवर मेन सॉफ्टवेयर। तो ट्रस्ट में ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सीन को क्रिएट करने में। सो दिस इज़ द ब्लेंडर। देखो अगर आप ब्लेंडर पे बिगिनर भी हो या फर्स्ट टाइम भी ब्लेंडर को यूज़ कर रहे हो तो इस सीन को आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ब्लेंडर अगर चलाते हो तो आपको बेसिक सी चीज़ें पता होगी लाइक रोल पैनिंग एंड टिल्ट वगैरह जो कंट्रोलिंग की चीज़ें हैं एंड ये सारे टूल्स वगैरह वगैरह पता होगे, और नहीं भी बताया तो मैं बताता हूँ। सो जस्ट आपको रोल पैनिंग एंड टिल्ट वगैरह सीख लेना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन को क्लिक करके आप टोटली सीन को मूव कर सकते हो एंड मिडल माउस बटन से रोल करके आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो एंड मिडल माउस को क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हो। सो मैं इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल सेव योर ब्लेंडर फुटेज। सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में लाइक नाम दे देता हूँ सोलो लेवलिंग ट्यूटोरियल यूट्यूब, ओके। हिट द एंटर एंड सेव ब्लेंड फाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ रेंडर सेटिंग करनी है इस सीन को रेंडर करने के लिए। सो यहाँ पे जो आप इस पैनल को देख रहे हो यह है प्रॉपर्टी पैनल। जो भी आप चीज़ यहाँ पे ऐड करोगे लाइक ये एक कैमरा गलती से इंपोर्ट हो गया। सो शिफ्ट प्लस ए से एक टूल बार खुलता है, ठीक है। यहाँ मेश है, कर्व्स है, ये धीरे धीरे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट मेश में जाने के बाद अगर मैं क्यूब लेता हूँ सो क्यूब की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर ये है लेयर पैनल। आप जो भी चीज़ को ऐड करोगे उसका एक लेयर बनते जाएगा।
एंड नीचे है प्रॉपर्टी पैनल कि जिस भी चीज़ को आप यहाँ ऐड करोगे एंड उसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी दिखेंगी। जैसे मैं यहाँ पे लाइट को ऐड करता हूँ, लाइक लाइट एंड पॉइंट लाइट, एंड इसे मैं थोड़ा सा बाजू में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस लाइट की प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो गई, मतलब दिख रही है। सो इसी तरह हमें कुछ सेटिंग्स करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस रेंडर सेटिंग, एंड यहाँ पे रेंडर इंजन पे ईवी की जगह हमें साइकिल्स को यूज़ करना है। एंड मेरा जीपीयू, मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा जीपीयू लो एंड है, एंड मेरा सीपीयू मींस मेरा इंटेल i7 10th जनरेशन थोड़ा फास्ट है उस सीपीयू जीपीयू से, तो मैं सीपीयू से ही रेंडर करता हूँ। बट अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है तो यहाँ पे जीपीयू को सिलेक्ट कर कीजिए, मतलब करिए। एंड अगर जीपीयू का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जाइए एडिट में, प्रेफरेंसेस एंड सिस्टम, एंड यहाँ पे शो हो रहा होगा कूड़ा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो मेरा ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं सीपीयू पे करता हूँ। सो इसके बाद यहाँ पे व्यू पोर्ट के सैम्पल्स आपको करना है 32, एंड यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे अच्छे से कि रेंडर के जो मैक्स सैम्पल्स है वो हमें रखना है 256। आप 128 भी रख सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा ही, आपका पीसी ज़्यादा ही लो एंड है, बट मेरा थोड़ा फार संभाल लेता है तो मैं 256 रख रहा हूँ। एंड बस इसी सेटिंग को रखना है, एंड शायद मैं यहाँ से इसे बढ़ा भी दूँ, लाइक वॉल्यूम्स को स्टेप रेट रेंडर 1:2 कर दूँ, बट ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं मुझे। सो या, तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो रेंडर सेटिंग हमें इतनी रखनी है, इसके और कोई ज़रूरत नहीं रेंडर सेटिंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सीन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ये पता होगा ऊपर के थोड़े फार बेसिक आपको पता ही है शायद, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। तो ये है वायर मोड, ये है सॉलिड मोड, लाइक मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सो ये है वायर मोड, ये है सॉलिड मोड, ये है टेक्सचर मोड। यहाँ पे जो आपको 4 टॉगल्स दिख रहे हैं उन पर क्लिक करके बता रहा हूँ, ये सॉलिड मोड। मटेरियल मोड मींस कि जो भी टेक्सचर्स आप यहाँ पे ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड फाइनली आता है रेंडर व्यू पोर्ट मोड। ठीक है, यहाँ आपको फाइनल जो आपका सीन कैसा होगा, कैसा लगेगा रेंडर होने के बाद वो दिखेगा। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा आपका सिस्टम लोड लेना शुरू कर देगा। सो गो टू द सॉलिड मोड एंड डिलीट दिस क्यूब। मैं टाइमलाइन को थोड़ा नीचे लेता हूँ, एंड सो बढ़ते हैं हमारे सीन मेकिंग प्रोसेसिंग की ओर। सो सबसे पहले जो मुझे करना है वो है एक प्लेन को ऐड। सो शिफ्ट प्लस ए मेश एंड ऐड अ प्लेन, एंड मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, लाइक थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, मैंने इसे इतना बड़ा कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा उस सीन को क्रिएट करने के लिए, अगर आपने उस सीन को देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि टू वॉल्स के पीछे एक लाइट है जो मतलब बड़ा लाइट सोर्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ टू वॉल्स लाइक एक दो प्लेन को खड़ा करना है। सो मैं क्या करूँगा, इसे ही डुप्लीकेट करूँगा, एंड इसे डुप्लीकेट करने के लिए हिट करो शिफ्ट डी। ठीक है, शिफ्ट डी, एंड मैं इसके लेफ्ट साइड मोड में चले जाऊँगा एंड हिट आर प्लस 90। ठीक है, हिट आर प्लस 90, इस मोड में जाने के बाद ही ये इस एंगल में खड़ा होगा 90 डिग्री में। सो मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ एंड इसे ऊपर ले लेता हूँ एंड इसे इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एंड इसे ही डुप्लीकेट करके राइट साइड में लेता हूँ। सो शिफ्ट डी डुप्लीकेट एंड मूव इट टू द राइट। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इतनी सी गैप रख रहा हूँ इन दोनों के बीच। एंड एक्चुअली ओ सो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो सिंपली आपको क्या करना है, हिट एन, एन दाबने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह एक पैनल आएगा। सो गो टू द व्यू एंड यहाँ पे जो आपको एंड का जो वैल्यू दिख रहा है उसे आपको बढ़ाना है। सो बढ़ा दो उसे जितना आप चाहो, एंड अब आपका जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा नीचे का फ्लोर था उसे मैं काफ़ी बड़ा कर दूंगा। ठीक है, जिससे एक इंटरप्शन नहीं आए हमारे सीन में। नाउ द ओनली वन थिंग इन दिस सीन, हमें करना है सिर्फ एक लाइट को ऐड। सो वन लाइट इज इनफ फॉर दिस सीन।
सो मैं ऐड करने वाला हूँ एरिया लाइट को। सो शिफ्ट प्लस ए गो टू द लाइट, शिफ्ट प्लस ए गो टू द लाइट एंड सिलेक्ट एरिया लाइट। ठीक है, यह एरिया लाइट आ चुका है। एंड हिट एस एंड ड्रैग इट, इसे थोड़ा बड़ा कर लो इस प्लेन के मुकाबले। सो अगेन R90। तो इस लाइट को मैं इस डायरेक्शन में इस वॉल के इस प्लेन के पीछे ले रहा हूँ। ठीक है, एंड इसे इस प्लेन जितना ही मैं बड़ा कर रहा हूँ। सो मैंने प्रॉपरली प्लेन लाइट को इन दो प्लेन के पीछे ला लिया है। अब ये ऐसा हो गया कि ये दो वॉल्स है एंड इसके पीछे से एक लाइट सोर्स आएगा। सो मैं थोड़ा सा इसमें गैप बढ़ा देता हूँ, ये ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा कम। ओके, नाउ आवर मोस्ट हमारा ज़्यादातर सीन कंप्लीट हो चुका है, बट अब भी थोड़ा बहुत बाकी है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें ऐड करना है एक क्यूब को। सो शिफ्ट प्लस ए मैश सिलेक्ट क्यूब एंड इसे बड़ा कर लो। ये पूरा जो सीन है ये कवर हो जाना चाहिए इस क्यूब में। पूरा प्लेन भी नहीं, अगर लाइट भी कवर हो गया तो वो भी चलेगा। एंड मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ मे बी इतना, एंड थोड़ा सा इसे ऊपर खींच लेता हूँ। अब क्या करना है, मैं जाऊँगा यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में, इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, बॉक्स के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में यहाँ जाऊँगा नीचे व्यू पॉइंट डिस्प्ले में, एंड डिस्प्ले एज सेट डिस्प्ले एज वायर। ठीक है, अब हमें सॉलिड व्यू मोड में भी इस बॉक्स का वायर मोड दिखेगा, जिससे हमें आसानी जाएगी लाइट को देखने में। सो सिलेक्ट द लाइट एंड गो टू द लाइट प्रॉपर्टीज। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसकी इसकी पावर बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर। सो इसे मुझे बढ़ाते जाना है, 10 लाख। ठीक है, 10 AM फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, 5 मिलियन वाट्स। ठीक है, अब देखते हैं रेंडर व्यू मोड में कि हमारा सीन किस तरह दिख रहा है। ठीक है, इस बॉक्स के बाहर कोई भी लाइट नहीं आ रहा क्योंकि सारा जो सीन है वो बॉक्स के अंदर है, बट बॉक्स के अंदर आने के बाद देखो कितना लाइट हो गया है। ठीक है, एंड अब हमें एक चीज़ करनी है, वो है वॉल्यूमेट्रिक्स। वॉल्यूमेट्रिक्स इस सिनेमैटिक सीन का बहुत ही मेन हिस्सा है। सो सिलेक्ट योर क्यूब, ड्रैग योर टाइमलाइन अप, एंड यहाँ पे जो आपको लिटिल आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ जाना है शेडर शेडर एडिटर में। ठीक है, शेडर एडिटर में बॉक्स सिलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे करना है हमें एक न्यू मटेरियल को क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू मटेरियल को, मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू मटेरियल एंड गिव द नेम वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में नाम दे रहा हूँ स्ट्रक्चर को, एंड मैं इस स्ट्रक्चर को प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर रहा हूँ। सो हिट सिलेक्ट प्रिंसिपल BSDF एंड डिलीट दिस टेक्सचर, एंड शिफ्ट प्लस ए सर्च करिए वॉल्यूम। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल वॉल्यूम। सो सिलेक्ट द प्रिंसिपल वॉल्यूम एंड इस वॉल्यूम की इस नोड को मैं यहाँ वॉल्यूम में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं रेंडर व्यू में कि हमें क्या मिलता है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वॉल्यूम जो फॉग है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि लाइट भी नहीं दिख रही। मैं क्या करूँगा, इसके डेंसिटी को बहुत ही मिनिमम लेवल पे ले जाऊँगा, 0.001 या 4। ठीक है, आप थोड़ी लाइट दिखने लगी है, 0.001। तो पहले हम कैमरा वगैरह सेटअप कर लेते हैं, एंड उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं हमारे जो लाइट का कलर है उसे सेट कर लेता हूँ, ब्लू ब्लूइश एंड सोलो लेवलिंग टाइप। या दिस इज दी राइट कलर फॉर माई लाइट, एंड नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कैमरा। सो हिट शिफ्ट प्लस ए गो टू द कैमरा एंड सिलेक्ट। अब कैमरा का एक अलग व्यू देखने के लिए क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ जाना है। ठीक है, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे एंड यहाँ
सिलेक्ट करके इसे इस तरह ड्रैग करना है, जिससे क्या होगा, एक और व्यू पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड किसी भी एक व्यू पोर्ट में आपको जाना है एंड एन दबाना है, टी दबाना है एंड ज़ीरो दबाना है। ठीक है, ज़ीरो दबाने के बाद हम कैमरा के अंदर घुस गए, मतलब कैमरा के अंदर घुस चुके हैं। एंड एन दबाने के बाद, व्यू में आने के बाद, यहाँ पे आपको एक टॉगल दिखेगा जिसे आपको राइट मतलब मार्क करना है, कैमरा टू व्यू। सो मैं कर रहा हूँ कैमरा टू व्यू। एंड अब एन दबाना है, कैमरा टू व्यू दबाने के मतलब क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ही कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो अपने माउस से। ठीक है, एंड इसे डीसिलेक्ट करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप कैमरा के बाहर निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे। सो हिट एन, कैमरा टू व्यू, हिट एन। सो यहाँ से मैं अब इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं कैमरा का जो फोकल लेंथ है मैं उसे सेट कर रहा हूँ 28 पर, बिकॉज वी नीड अ वाइड लेंथ ऑफ दिस सीन। सो यहाँ से मैं कर रहा हूँ उसे टोटल 90, इसे कर रहा हूँ 0 एंड या मे बी दिस इज द राइट पोजिशन। सो आपको थोड़ा फर आपके कैमरे को आपके हिसाब से ही सेट कर लेना है। सो या दिस इज़ दी परफेक्ट। सो आप चाहे तो आपके प्लेन्स को और बढ़ा सकते हो, बट मैं नहीं बढ़ा रहा एंड मैं इसे कैमरे से कैमरे के पास में ले जा रहा हूँ, कैमरे को ही पास में ले जा रहा हूँ। सो लेट्स सी अवर फाइनल रिजल्ट। सो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो रेंडर सेटिंग कहा था मैंने उसके नीचे एक रेशियो सेटिंग है। ठीक है, हमारा जो रेंडर सेटिंग मतलब हमारी फाइल कहाँ सेव होगी वगैरह वगैरह, तो यही आता है रेजोल्यूशन। तो मैंने कहा था कि मेरा रेशियो होता है 1920x812। सो मैं 1080 की जगह कर रहा हूँ 812 एंड यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ रेंडर रीजन, क्रॉप टू रेंडर रीजन। फ्रेम रेट्स रहेगे मेरे 30 FPS, मे बी 29.97 FPS। ठीक है, सो कैमरे में जाना है एंड व्यूपोर्ट डिस्प्ले एंड इस पास पार्ट आउट को आपको कर देना है फुल 1 पर, जिससे क्या होगा कि आपको जो ब्लैंक एरिया है वो ब्लैक आउट हो जाएगा एंड आपको मेन सीन ही दिखेगा। एंड अब करते हैं हमारे रेंडर सीन को, हमारे व्यूपोर्ट को रेंडर। सो क्लिक ऑन दिस व्यूपोर्ट शेडिंग मींस रेंडर। सो सी अवर रिजल्ट। ठीक है, रुक जाओ, बता रहा हूँ, पूरी तरह बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब आप बोल रहे होगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे सीन से। सो वो इस वजह से कि मैंने जो वॉल्यूम की सेटिंग है वो एक सेटिंग रहना कर गई थी, मतलब मैंने एक सेटिंग नहीं की थी। सो आपको क्या करना है, क्यूब पे जाना है एंड इसके जो जहाँ पे मैंने डेंसिटी की वॉल्यूम घटाई थी, डेंसिटी की वैल्यू घटाई थी, वही नीचे एनिसोट्रॉपी है। एनिसोट्रॉपी मीन्स कि यहाँ आपको लाइटिंग कंट्रोल होती है। ठीक है, सो एनिसोट्रॉपी को मैं टोटली बढ़ाऊंगा जब तक मेरा जो सीन है, जब तक मेरा जो वैल्यूम है वो टोटली लाइट को कवर ना कर ले। तो इसे टोटली मत बढ़ा देना, थोड़ा सा इसे कम रखना, लाइक 0.900। ठीक है, सो ये है हमारा फाइनल सीन। एंड अगर आपको डेंसिटी लाइट की और ज़्यादा चाहिए, सो सिलेक्ट योर लाइट, सिंपली इंक्रीज योर मिलियन वॉट्स, लाइक 10। ठीक है, और अगर 10 बढ़ाना ना भी चाहो तो यहाँ से सिर्फ कलर बढ़ा देना इसका, ओके। एंड अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा, सो इसे मत करना, सिर्फ यहाँ से कलर वाइट ही रहने देना एंड यहाँ से थोड़ा वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देना, ओके। सो दिस इज अवर सीन डन 80%। तो सिलेक्ट अवर कैमरा, मैं थोड़ा सा मेरे कैमरे को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जो नीचे की जो फ्लोर है जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें वो लाइट रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट द प्लेन फ्लोर एंड क्रिएट अ टेक्सचर एंड यहाँ का जो बेस कलर है मैं उसे टोटली ब्लैकआउट कर दूंगा। ठीक है, एंड यही टेक्सचर मैं लाइक यहाँ मैं नाम दे देता हूँ फ्लोर एंड इसी टेक्सचर्स को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे जो साइड आइकन है वहाँ पे फ्लोर आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ भी फ्लोर आपको सिलेक्ट करना है।
सी दिस इज़ योर सीन, यू दिस इज़ योर सिनेमैटिक सीन वी मेड इन ब्लेंडर इन अ वेरी रियलिस्टिक वे एंड इन अ सिंपल वे. सो बाकी का जो सीन है लाइक कैमरा एनिमेशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप कर सकते हो अपनी तरह से. जैसे भी आपको एनिमेशन चाहिए कैमरा के, आप यूट्यूब पर वीडियो देखो कैमरा एनिमेशन कैसा करते हैं वगैरह वगैरह. बहुत ही सिंपल है, लाइक मैं करके बता देता हूँ 2 मिनट में. लाइक यहाँ से मुझे कैमरा पीछे ले जाना है, ठीक है. सो यहाँ से मुझे कैमरे को पीछे ले जाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टाइमलाइन को एंड यहाँ मैं क्लिक करता हूँ शॉर्टकट की आए. सो मुझे लोकेशन को ट्रैक करना है, मतलब लोकेशन को एनिमेट करना है. सो लोकेशन को हिट करो तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुकी है, ठीक है. तो ये इस लोकेशन की फ्रेम है, ठीक है. तो अब मैं मेरे टाइमलाइन को बढ़ाऊँगा 150 पे, 160 पे एंड मैं कैमरा को ड्रैग करूँगा पीछे की तरफ लाइक इस तरह एंड यहाँ पे हिट करूँगा, यहाँ पे की दबाऊँगा आए एंड लोकेशन पर या अवेलेबल पर भी आप क्लिक कर सकते हो. सो क्लिक ऑन दी अवेलेबल और लोकेशन जिस भी प्रोपोर्शन में आपने की फ्रेम लगाई है. सो ये कैमरा अब एनिमेट हो चुका है, ठीक है. सी दिस कैमरा इज हैज बीन एनिमेटेड, ठीक है. सो इसी तरह से आप कई ऐसे एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो. चाहे तो आप ट्यूटोरियल्स देख लो कैमरा एनिमेशन के एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये थी वो सिंपल प्रोसेस. एंड एक बात, मैंने हमारा जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो तो ऐड ही नहीं किया, वो मैं ऐड करना भूल गया. सो उसे ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एडिट में चले जाना है, एडिट प्रेफरेंसेस एड ऑन्स एंड यहाँ सर्च करना है इमेज एज प्लेन्स, इम्पोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स. सो ये मेरा टिक मार्क है ऑलरेडी. सो अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर लेना है, ठीक है. एंड सेव प्रेफरेंसेस एंड क्लोज दिस पैनल. तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, जहाँ पर भी आपने उस आफ्टर इफेक्ट के रेंडर को, आफ्टर इफेक्ट के फाइनल वीडियो को सेव किया है, वहाँ से आपको उस फाइल को इम्पोर्ट करना होगा. सो शिफ्ट ए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इमेज, इमेज एज प्लेन्स. सो इमेज एज प्लेन्स पर क्लिक करके आपको उस आफ्टर इफेक्ट के रेंडर को ऐड करना है. सो ये मेरा रहा सब्जेक्ट ग्रीन स्क्रीन. सो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड इम्पोर्ट एज प्लेन्स. तो यहाँ पे अब ये ऐड हो चुका है. सो मैं इसकी एस दबा के इसका जो स्केल है वो बढ़ाऊँगा एंड इसे थोड़ा सा ऊपर ला लेते हैं एंड इसे रेंडर व्यू में देखते हैं. सी दिस इज अवर फाइनल सीन. तो मैं इसके की फ्रेम को हटा रहा हूँ एंड आपको एक प्रॉपरली 1 फ्रेम कंपोजिशन बता रहा हूँ कि कैसे मैंने किया था. सो मैं प्रॉपरली एक मेरे कैमरा को सेट कर लेता हूँ मेरे फ्रेम के अनुसार. सो जो हमने प्लेन को यहाँ पे ऐड किया था वो अब हमारे कॉम्पोजिशन में दिख रहा है. सो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस आफ्टर इफेक्ट के रेंडर हुई फुटेज को यहाँ पे ऐड करना है इमेज एज प्लेन्स के मदद से, ठीक है. सी दिस इज आवर सीन. सो मैं थोड़ा कैमरे को पीछे भी ले जाता हूँ तो हमारा टोटल जो सीन है वो बन चुका है. एंड अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए लाइक जैसे मेरी रिफ्लेक्शन थी, तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट योर ग्राउंड टेक्सचर, गो टू दी शेडर एडिटर एंड यहाँ से रफनेस को टोटली ज़ीरो पे करना होगा, ठीक है. रफनेस को इंक्रीज किया तो रिफ्लेक्शन चले जाएगा एंड रफनेस को ज़ीरो पे कर दिया तो आपको जो रिफ्लेक्शन है वो दिखने लगेगी. सो सी माय रिफ्लेक्शन.
तो ये था वो सीन जो मैंने क्रिएट किया है ब्लेंडर एंड आफ्टर इफेक्ट की मदद से इन अ वेरी सिंपल वे। बहुत ही सिंपल वे में आप, अगर आपका एक लो एंड पीसी भी है फिर भी आप इस सीन को बना पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे कई भारी भारी सीन्स है जो मैंने इस मेरे करंट पीसी पर बनाए हैं, एंड आपको भी पता है क्योंकि मेरे पास और कोई पीसी नहीं है। एंड मेरा काम आपको पहले से ही पता है कि मेरे शॉर्ट फिल्म्स, मेरे वीएफएक्स सीन्स, मेरे एनवायरनमेंट सीन्स, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो सो या दिस सीन को आप बना सकते हो, इस सीन को आप बना सकते हो इन अ वेरी सिंपल वे इवन इन अ लो एंड पीसी, बिकॉज मेरा भी लो एंड पीसी ही है। सो आप अपने अपने एक्सपेरिमेंट करो, अपने अपने क्रिएटिविटीज़ को इस सीन के साथ लगाओ एंड क्रिएट करो अपने खुद के सीन्स, ठीक है। शूट करो इन योर रूम विद अ ग्रीन स्क्रीन विथ योर स्मार्टफोन लाइक आई डिड, ठीक है। सो या अगर मैं आपको बताऊँ कि इसे रेंडर कैसे किया था, मैंने किस सेटिंग पे किया था, वो मैंने पहले ही बता दिया है 256 पर। अगर आपका इसे भी लो एंड पीसी है तो आप 128 पर ही करो एंड गो टू दी आउटपुट प्रॉपर्टीज़। एंड यहाँ मैंने आपको रेशियो पहले ही बता दिया है रेंडर रीजन क्रॉप टू रेंडर। एंड अगर आपको मतलब फाइल जहाँ पे सेव करनी है वो यहाँ पे करनी है, लाइक यहाँ पे क्लिक करके आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ पर उस रेंडर फ्रेम्स को रेंडर करना है, मतलब इस सीन के फ्रेम्स को रेंडर करना है, ठीक है। सो मेक अ न्यू फोल्डर एंड सिलेक्ट ऑन दिस फोल्डर एंड एक्सेप्ट, ठीक है यहाँ से। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो कलर डेप्थ है वो 16 होना चाहिए एंड ये ओवरराइट बंद होना चाहिए। ओवरराइट मींस कि आपका जो रेंडर सीक्वेंस है लाइक 1 से 100 तक का आपको टाइमलाइन को रेंडर करना है, मतलब 100 फ्रेम्स को, तो 1 से 50 तक आपने रेंडर अपने फ्रेम्स रेंडर कर लिए एंड आपकी मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है या कंप्यूटर बंद हो चुका है तो आपको 50 से कंटिन्यू करना है, तो ओवरराइट को बंद करिए। बट अगर फिर से फर्स्ट फ्रेम से रेंडर करना है तो ओवरराइट को शुरू रखिए, ठीक है। सो मुझे 50 फ्रेम से ही, मतलब मेरे लास्ट फ्रेम से ही कंटिन्यू करना है तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। एंड विथ ऑल ओवर दिस सेटिंग्स जस्ट गो टू द रेंडर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस रेंडर एंड गो टू द रेंडर दिस हियर एंड रेंडर एनिमेशन, ठीक है। सो ये आपके फुटेज को, आपके जो सीन है जो आपने क्रिएट किया है, आपके कैमरा एनिमेशन, आपके जो इफेक्ट, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है उस सीन को क्रिएट करना, मतलब रेंडर करना शुरू कर देगा। तो मेरे इस सीन को रेंडर करने के लिए मे बी 10 to 12 आवर्स लग चुके थे क्योंकि मैंने इसे 256 पर रेंडर किया है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। एंड मेरे एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए मुझे कम शायद 2 मिनट्स का वक्त लगा था, मींस 300 फ्रेम्स को मुझे 600 मिनट का टाइम लगा था। सो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 600 मिनट मींस कितने घंटे हो चुके हैं। तो या फाइनली ये था वो सीन जो मैंने आपको बताया कि हाउ आई मेड दिस सीन विद अ ब्लेंडर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सीन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा फार क्रिएटिविटी का दिमाग है। एंड या You make this cinematic scene. And finally, जब मैंने इसे फाइनल रेंडर कर लिया था, सो दिस इज माई 300 फ्रेम्स ऑफ दिस सीन, ऑफ माई सीन। तो यह है वो टोटल फ्रेम्स जिन्हें मैंने रेंडर किया है एंड एक फ्रेम को मुझे लगा है 2 मिनट का समय टोटल रेंडर करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है जहाँ पे और भी आपका सीक्वेंस है उसे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट फर्स्ट फुटेज, फर्स्ट फ्रेम, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PNG सीक्वेंस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड सिंपली हिट ओके। तो यहाँ पे आपके टोटल फ्रेम्स आ चुके हैं 1 से 2, मतलब जितने भी फ्रेम्स आपने रेंडर करे हैं उतने फ्रेम्स ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में लगा देगा। सो सिंपली सिलेक्ट द फ्रेम्स एंड क्रिएट अ कॉम्पोजिशन एंड हियर is your final footage. Okay. So this is your final footage. And थोड़ी फार enhancement के लिए मैंने यहाँ पे maybe आप कह सकते हो कि थोड़ी फार adjustments और
रिमूव ग्रेन को यूज़ किया है, थोड़े फार जो ग्रेन्स यहाँ पे मेरे सीन्स में आ गए हैं उसे रिमूव करने के लिए। एंड या यू फाइनली डिड इट, यू फाइनली क्रिएट योर सिनेमैटिक सीन विद द हेल्प ऑफ आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर। तो ये बहुत ही सिंपल था एंड ईजी था, आप ईजीली क्रिएट कर लोगे। तो शूट करो तुम्हारे रूम में विद अ ग्रीन स्क्रीन विद योर स्मार्टफोन, ठीक है, एंड क्रिएट करो अपने अपने क्रिएटिविटी के साथ, अपने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। सो एक्सपेरिमेंट करते रहो आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर के साथ। एंड या दिस इज़ ऑल वी हैव। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में किसी और नए क्रिएटिविटी के साथ। तो ये थी वो प्रोसेस जिससे आप ऐसे कई सीन्स को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कई सिनेमैटिक वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो अपने अपने क्रिएटिविटी के साथ एंड अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में किसी और नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए यू ऑलरेडी नो दैट, कीप द आर्ट इन योर हार्ट।